incredible building of history through a thousand years. हम लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरह से हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड किया, कौन कौन से पीरियड में डिवाइड किया था, जैसे एंशियंट, मेडिकल और मॉडर्न में डिवाइड किया था, फिर उसके बाद कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज उन्होंने यूज की, फिर हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल थे हमारे पास, जैसे कॉइन्स हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गई, ठीक है, जो बुक्स वगैरह लिखी थी, जैसे अल्बर्ट जी आए थे तो उन्होंने बुक लिखी, किताबें लिखी थी, तो उससे क्या था कि हिस्ट्री के बारे में उससे पता लगता था। आज हम देखेंगे आगे उसे, ठीक है, आज हम देखेंगे कि जब सोर्सेस हमें फाइंड आउट हो जाते हैं तो किस तरह से सोर्सेस से हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पास्ट में कैसे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप से वो कैसे एमर्ज होते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक होगा हमारा, आज हम देखेंगे एमर्जेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है। इससे पहले हमने देखो हमने ये देख लिया था हमने कि हिस्ट्री को हिस्टोरियन से डिवाइड किया गया था, फिर हमने देखा था कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो जिनको हम जानते हैं, कौन से नॉइंग सोर्सेज हैं जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगता है कि पास्ट में लोग अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, ठीक है। कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस हमें मिली एक्सकैवेशन थ्रू, जो कि आर्कियोलॉजी साइट जैसे भीमबेटका का साइट है तो वहां से हमें मिली, और कैसे कर्नूल से उत्तरूम है तमिलनाडु में, वैसे बहुत सारे साइट्स हैं, तो कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, केव्स, कॉइंस, ठीक है, पेंटिंग्स हो गए, स्क्राइब्स हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, ठीक है, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं कि कौन कौन से सोर्स हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, ठीक है। आज हम देखेंगे एमर्जेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है। इस दौरान क्या होता है कि जब भी जो अर्ली ह्यूमंस की काफी डेवलपमेंट हो जाती है, काफी सारे रिंग्स और जो किंग्स और रूलर्स होते हैं वो इंडिया में आते हैं और अपने एडवेंट करते हैं वो, ठीक है। और बहुत सारे देखो जो मैंने बताया था पहले भी मैंने आपको कि एंशियंट पीरियड की कब एंड होता है, जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि जितना भी एम्पायर हर्षवर्धन के अंडर में होता है, जितनी भी रीजनल किंगडम्स उसने बनाए होते हैं उसने, ठीक है, जो जो चीफ्स उसने अपॉइंट किए होते हैं वो सबके सब वो अपना रीजनल किंगडम बना लेते हैं, सबके सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक नया ग्रुप होता है जिसको कि राजपूत बोलते हैं, ठीक है, वो राजपूत उन्हीं रीजनल किंगडम से एमर्ज होते हैं जो कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद एमर्ज होते हैं किंगडम, वो हर्षवर्धन के ही इसमें एम्पायर में होते हैं वो, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि एमर्जेंस ऑफ सोशल बॉर्डर ग्रुप में न्यू इन्वेंशंस होती है, ठीक है, इन्वेंशन बहुत सारी, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि देखते हैं पर्शियन व्हील हुआ था, ठीक है, इसको इन्वेंट किया था, ये पर्शियन व्हील था, ये किस लिए यूज करते थे, इसको यूज करते थे यूज फॉर इरीगेशन, ठीक है। उस टाइम इतनी हमारे पास सोर्सेस और इतनी सारी चीजें नहीं थी कि जिससे कि हम कोई भी चीज इजीली हमारे पास अवेलेबल होती थी, तो ये वाला एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि पहले क्या था कि पहले जो इरीगेशन करते थे तो पानी तो उसके लिए नहर वगैरह बनाई होती थी, ठीक है, वो काफी लेट बनी है वो, तो क्या करते थे कि मैक्सिमम जितना था सब रेन पे डिपेंड होते थे, सब बारिश पे डिपेंड होते थे कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी, बारिश नहीं होगी या सूखा ड्राउट पड़ गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी, कोई भी उनकी फसल नहीं होगी उनकी, ठीक है। तो जब ये व्हील का इन्वेंशन होती है तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है इरिगेशन के लिए, ठीक है, जिसको भी यूज करते हैं इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि एक व्हील लगाता है, ठीक है, उससे पानी को ऊपर नीचे अपलिफ्ट करते हैं उसको, ठीक है। उसी दौरान में कौन कौन सी इन्वेंशन करते हैं, जैसे तोप और कैनन, ठीक है, तोप और जिसको कैनन बोलते हैं, तोप या फिर कैनन, ठीक है, ये आई थी मुगल एम्पायर में, ठीक है, जब मुगल रूल कर रहे थे इंडिया में उस टाइम तोप का इन्वेंशन होता है, ठीक है, ये तोप जो थे वो ब्रिटिश ही लेकर आए थे वो, ठीक है। तो ये वाला भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, देखो जब भी तोप अगर किसी आर्मी के पास उस टाइम आ गई थी वो, ठीक है, तो उससे क्या फायदा हुआ उनको, वो ओवरटेक टू द लार्ज आर्मी। पहले क्या था कि पहले वो जैसे तलवारों के साथ फाइट करते थे वो, लेकिन उस टाइम जब तोप आ गई तो बहुत सारी जितनी बड़ी आर्मी है उसको थोड़े से टाइम में बहुत सारा नुकसान उसको पहुंचा सकते थे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इन्वेंशन थी ये, ठीक है, जब तोप का इन्वेंशन होती है कि ओवरकम टू द लार्ज आर्मी ऑफ किसकी, राजपूत की, देखो राजपूत जो इतने थे उनकी जो आर्मीज थी काफी बड़ी बड़ी आर्मीज वो रखते थे, ठीक है, काफी वो देर किंग्स होते थे, वो किसी से डरते भी नहीं थे किसी से, ठीक है, लड़ने झड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे वो, ठीक है। तो जो जब भी इसकी इन्वेंशन हो जाती है मुगल एम्पायर में, जब तोप आ जाती है मुगल एम्पायर, तो कहां से वो किससे ओवरकम करते हैं, लार्ज आर्मीज ऑफ राजपूत से, ठीक है। वैसे इस दौरान में काफी नए तरीके की ड्रेसेस आ जाती हैं, फूड्स मिल जाते हैं, बेवरेज आती हैं, ठीक है, और वैसे जैसे कि दो फेमस हमारे पास, ठीक है, जैसे क्यूजन्स है, जैसे फूड दो फूड आ गए, जैसे लखनऊी फूड और मुगलई फूड, ठीक है, ये तो आज भी वैसे भी फेमस ही है। तो उसमें काफी सारी जब ये पीरियड आता है जब ये, ठीक है, तो उस टाइम क्या क्या होता है, देखो बहुत सारी इन्वेंशन होती है, जैसे पर्शियन व्हील की इन्वेंशन होती है जो कि इरिगेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, तोप की इन्वेंशन आती है मुगल एम्पायर में आती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि ओवरकम होता लार्ज आर्मीज ऑफ राजपूत में बहुत बड़ी हेल्प करती है इनको, नए नए ड्रेसेस, फूड बेवरेजेस हो गए, ठीक है, नए नए खान पीन जैसे फ्यूजन फूड, इनकी इन्वेंशन होती है।
आप अगर देखेंगे हम पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है, कौन कौन से पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं उस टाइम जो कि एमर्ज होते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो उस टाइम जो पीरियड चल रहा होता है उसमें क्या होता है कि इसमें बहुत बहुत सारा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा होता है, ठीक है। पॉलिटिकल अनरेस्ट मीन्स की बहुत सारे रूलर्स आ रहे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट कंटिन्यूस इन्वेजन पीपल मूव वन टू अनदर प्लेस, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारे कैटर बहुत सारे बाहर से जैसे टर्क्स हैं वो आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लूटपाट मचाते हैं इंडिया में आके, ठीक है। जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं वो कि ये आके कभी कुछ करा, ये हमको डरा, ये कभी ये बोल इतना टैक्स लो, कभी ये करो वैसा करो, ठीक है। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि हमें रहने नहीं है, वो फिर माइग्रेट करते हैं वो, ठीक है। बहुत सारे पीपल से वो माइग्रेट करते हैं, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस इन्वेजन होता है, बहुत सारे रूलर्स और बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, इंडिया में लूटपाट करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो लोगों का कंटिन्यूस इन्वेजन होता है, मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो राजकुल एक नया ग्रुप जो बाहर निकल रहा था, कब बाहर निकल के आता है, जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, जब एंशियंट पीरियड जिसको एंड हो जाता है और मेडिकल पीरियड की शुरुआत हो जाती है, उस टाइम ये राजपूत एक नया ग्रुप निकल के आता है, ठीक है। वो राजपूत क्या थे, वो अपने आप को कोर्ट देमसेल्फ एज डिसेंडेंट्स ऑफ एन एंशियंट क्षत्रिय, ठीक है। वो अपने आप को मानते थे कि जो एंशियंट के जो क्षत्रिय थे हम वही हैं बस हम वो, ठीक है। ये बात कब की, बिटवीन 8 एंड 14 सेंचुरी, 8 से लेकर 14 सेंचुरी के बीच की बात है, ठीक है। इन बिटवीन उसमें ऐसा चल रहा था कि एक नया क्लैन बाहर निकल के आता है, ठीक है, जो कि राजपूत, जो कि कहते हैं कि हम एंशियंट क्षत्रिय हैं हम, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि इनमें ब्रेवरी बहुत होती है, ठीक है, बहुत सारे स्किल्स होते हैं इनके पास। तो क्या करते हैं कि सोसाइटी में ये एक स्पेशल स्टेटस बना लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा एक स्पेशल स्टेटस ये गेन करते हैं। किस तरह से गेन करते हैं कि काफी बहादुर होते हैं, ठीक है, बहुत ब्रेवरी होती है इनमें, नए नए स्किल्स होते हैं इनके पास वॉरफेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी ये फेमस हो जाते हैं, और इनकी जब ये रूल करते हैं तो इनकी आर्मी से बहुत बड़ी बड़ी आर्मी होती है, ठीक है। तो जो मैंने इसे बताया कि जब टॉप पे इन्वेंशन होता है, ठीक है, मुगल एम्पायर में आती है, तो वो क्यों आती है, वो क्योंकि बहुत बड़े फेमस हो जाते हैं, बहुत बड़ी आर्मी रखते हैं ये, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि आज की डेट में वैसे बात करें तो जितना जो ब्रेव होगा ना सब उतना ज्यादा साथ देते हैं कि हाँ यार ये ठीक है, इसके साथ मैं बड़ा सिक्योर फील कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बड़ी सिक्योरिटी महसूस करते हैं, चाहते हैं काफी ब्रेव है, ठीक है। और उस टाइम तो वैसे बड़ी बात थी, और साथ साथ में नए नए स्किल्स थे उनके पास वॉरफेयर करने के, ठीक है। वैसे साथ साथ में और भी अदर ग्रुप्स थे, ठीक है, राजपूत के साथ और भी अदर ग्रुप्स थे जो काफी फेमस हुए थे उस टाइम थे, जैसे मराठास हो गए, अहोम्स, जट्स, सिख्स एंड कास्ट, ठीक है। ये वाले ग्रुप कहाँ से निकल जाते हैं, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाते हैं जब कंटिन्यूस इन्वेजन होता है, ठीक है, और पीपल क्या है मूव करते हैं एक से दूसरे को, जाकर वहां पर वो रहने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां से नए नए ग्रुप आते हैं, ठीक है। जैसे देखो सिख्स और कास्ट ये आगे अदर ग्रुप राजपूत के अलावा, ठीक है, ठीक है। ये वाले जो ग्रुप होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्रुप के, ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है इन सभी ग्रुप की इनकी, ठीक है। ये जब बन जाते हैं ठीक है, इतने इतने पॉपुलर हो जाते हैं ये कि अपना अपना ये किंगडम बनाते हैं सबके साथ में, ठीक है, और बहुत सारे एम्परर होते हैं उनके साथ ये वॉर करते हैं, ठीक है, राजकूत भी करते हैं और ये भी करते हैं, बहुत बड़े बहुत सारे एम्परर के साथ ये फाइट करते हैं, अपना अपना किंगडम बनाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं एक अपनी पॉलिटिकल डायनेस्टी ये बना लेते हैं, ठीक है, मतलब कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना लेते हैं अपनी, ठीक है। और इतनी स्ट्रॉन्गली होते हैं कि सब लगते हैं कि जितने भी मुगल जितने भी मुस्लिम आए थे तो जब इनसे वॉर करते थे तो इनके साथ डरते थे, डायरेक्ट इन्होंने कभी भी इनके साथ ये डायरेक्ट भी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, बहुत सारी स्कीमें लगाते थे कि ऐसा करे वैसा करे, ठीक है, वो वॉर करते थे उनके साथ, ठीक है, काफी ब्रेव होते थे सारे, ठीक है। तो ये जितने ग्रुप थे इन्होंने अपनी अपनी एक सोसाइटी में अच्छी खासी अपनी पहचान बना ली थी, ठीक है, काफी इन्हें पॉलिटिकल आइडेंटिटी इन्होंने अपनी बना ली थी, ठीक है। यही से एक नया ग्रुप आता है, देखो सिख, ठीक है, सिख क्या होता है, सिख एक नया रिलीजन टाइम निकल के सामने आता है, ठीक है। और इनका मेन एम क्या होता है, सिख का मेन एम है फाइट विद मुगल्स, कि हमें मुगल के साथ फाइट करनी है, क्यों, क्योंकि ये लोगों का बहुत बड़ा जो मुगल्स होते हैं बहुत बड़ा शोषण करते हैं, ये जो पीपल्स वहां रहते हैं क्या करते हैं कि देखो एक तो वो मुस्लिम होते हैं साथ ही साथ में क्या करते हैं वो बहुत सारा टैक्स लगा देते हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सब मुस्लिम सब खराब ही थे, ठीक है, जैसे कि गजनी बोले या उनको बोले, ठीक है, वो बहुत खराब थे, लेकिन जैसे कुछ मुस्लिम रूलर ऐसे थे जो अच्छे थे, जैसे कि अगर हम बोले अकबर तो कुछ कहते हैं कि वो अच्छा था, कुछ कहते हैं कि वो ठीक नहीं था वो, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या था कि इनके मेन एम क्या था सिख्स का, ठीक है, नया रिलीजन बाहर निकल के आता है और जिनका मेन एम होता है कि हम मुगल के साथ हम फाइट करेंगे, ठीक है। सिख्स में देखो जैसे शिवाजी थे वो काफी फेमस लीडर थे उनके,
सॉरी शिवाजी नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, वैसे देखो पॉलिटिकल ग्रुप्स हमने देख लिया कि कौन कौन से आए थे। ठीक है, वैसे ही अब देखेंगे सोशल ग्रुप्स में कौन कौन सी नए प्लान जो एमरजेंस उनकी एमर्ज हुए थे वो। ठीक है, मतलब के बाहर निकल के आए थे। ठीक है, एमरजेंस होती है उनकी, जिसमें सबसे फेमस था कायस। देखो कायस के लिए ऐसे होते हैं, एक नया सोशल ग्रुप बाहर निकल के आता है। ठीक है, कौन से कायस, ये क्या करते हैं कि जब ये पॉपुलर हो जाते हैं अपना एक अपनी एक इंपॉर्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज इन कोर्ट ऑफ किंग्स। ठीक है, जितने भी एम्परर्स किंग्स सुल्तान थे, अपना एक एक ऐसी पहचान बना लेते हैं कि जाकर वहां पर उनके साथ बैठ जाते हैं। ठीक है, उनके सेक्रेटरीज में काम करते हैं, जाके उनके स्क्राइब्स में जाके वहां पर जाकर वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक अपना इंपॉर्टेंट प्लेस वो बना लेते हैं अपना वो। ठीक है, कहां कहां पे जितने भी किंग्स एम्परर जितने सुल्तान थे। ठीक है, एक नया ग्रुप उनका कौन सा कायस वाला। ठीक है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट सभी जगह बना लेते हैं और एक इंपॉर्टेंट ये जॉब हासिल कर लेते हैं स्काई को सेक्रेटरीज की। ठीक है, किसमें, किंग्स एम्परर्स और सुल्तान में। ठीक है, और क्या होता है देखो उस दौरान क्या होता है कि इन्हीं सोशल जब ये बीच की बात चल रही होती है, मेमोरी बिल्ड की बात चल रही होती है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन बीच, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पर्शियन बिल था। ठीक है, वो उसकी इन्वेंशन होती है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है इरीगेशन में, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट डेवलपर्स एंड कल्टिवेटर्स वो क्या करते हैं, देखो जब नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जब फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, तो जो फॉरेस्ट डेवलपर्स होते हैं ना, कल्टिवेटर्स होते हैं, वो अपना जगह छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जब ऐसे फॉरेस्ट डेवलपर्स तो फॉरेस्ट में जब वो क्लियर करते तो कहाँ पे रहेंगे वो। ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी इरीगेशन में आ गई है, तो जैसे कि बिल आ गया था, तो वो लोग जब 10 लोग मिलकर जो काम करते थे, वो एक उसी बिल पर्सन बिल वाला ही काम कर रहा है वो। ठीक है, तो उनको क्या था कि बेचारे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, तो वो अपनी जगह छोड़कर वो चले जाते हैं डिस्प्लेस फ्रॉम देयर लैंड। ठीक है, ठीक है, और टुक न्यू ऑक्यूपेशन, कौन होते हैं ये वाले होते हैं। ठीक है, कास्ट वाले होते हैं, ये जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो जिनकी जो बेचारे जिनका लैंड नहीं रहता है, फॉरेस्ट निकाल देते हैं, कुछ भी फॉरेस्ट कट कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो अपना जगह छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जब अब लोग जो लोग होते हैं वो जब उसको जहाँ अपना घर छोड़कर वो चले जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय अदर ग्रुप्स, मतलब जो अदर ग्रुप्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं वो। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो इनको, जो पीपल अपना जगह छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, देखो जिन पीपल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो छोड़ के जाते हैं, वो बाद में क्या बनते हैं, जिसको जटिस और सब कास्ट में क्या बोलते हैं उनको। ठीक है, जटिस और सब कास्ट बनते हैं। ठीक है, तो वो उनका शोषण कौन करता है, उनका जो प्राइस होते हैं, रूलर्स होते हैं, ग्रेडर्स होते हैं। ठीक है, वो तो उनको क्या करते हैं, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनके उनके पास लैंड भी रहता है, तो अपनी जगह छोड़कर वो चले जाते हैं। और फिर उसके बाद होता है कि जो सोसाइटी होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारा एक डिफरेंस हो जाता है, सोसाइटी में डिफरेंस काफी डेवलप हो जाता है। उसके बाद अमंग डिफरेंट कास्ट एंड पीपल्स, जितने भी कास्ट और पीपल्स से उनके बीच में क्या है कि सोसाइटी में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस जो डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद एक सोसाइटी में एक नए लोग निकल के आते हैं, जिसको जस्टिस और सब कास्ट वाले होते हैं लोग, रैंक अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, जैसा जो लोग काम करते हैं उसके हिसाब से उनको रैंक दे देते थे उस टाइम को, जैसा जो काम करेगा वैसा उसको रैंक दे देते थे। और कौन कौन से थे, जस्टिस और सब कास्ट, जिसमें कि एक सबसे फेमस देखो आगे से गुज्जर्स बिकम प्रोमिनेंट जट्टी इन द बुंदेलखंड रीजन। जो लोग अपना घर छोड़कर जिनके पास लैंड फॉरेस्ट नहीं रहता, वो छोड़कर जाते हैं, जाकर दूसरी जगह जाकर वो बस जाते हैं, जिसमें से कि एक गुज्जर्स निकलते हैं, वो बिकम प्रोमिनेंट जट्टीज इन बुंदेलखंड वाले रीजन में, काफी प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी जाकर वहां पर रहने वो शुरू कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि जो ये जट्टीज होते हैं, जट्टीज फेम देयर ओन रूम, जो लोग अपना घर छोड़ के जाते हैं बुंदेलखंड रीजन में जाके वो रहते हैं, तो उनको हम जट्टी बोल सकते हैं। उनको जट्टी होते हैं, वो अपने ही रूम्स बनाते हैं वो, जिसको कि बोलते हैं कि जट्टी पंचायत। ठीक है, जैसे कि ये आज हम बात करते हैं हरियाणा में, तो मुझे खाप पंचायत की बात करते हैं, तो वैसे वो सिमिलर टू उसी जैसा था ये, कि उस टाइम उनको बोला जट्टी पंचायत। तो जट्टी पंचायत वाले क्या करते थे, वो जो जट्टी पंचायत थे वो अपने विलेज से सेपरेट नहीं थे, उसी विलेज में जाकर वो रहते थे, और जो रूल्स उन्होंने बनाए हुए थे उन्हीं को ही विलेजेस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। और कौन उनको गवर्न करता था, जो चीफ्स थे, चीफ्स कौन थे, जो भी एम्परर या जो भी किंग सुल्तान होगा वो उनको अपॉइंट करते थे कि आप जाओ वहां जाकर हो, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो उस लैंड पे इरिगेशन जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनसे जाकर आप टैक्स रेवेन्यू आप कलेक्ट करो और आके हिमाचल को दो। ठीक है, तो ये जो थे ये मैक्सिमम जितने थे रेवेन्यू वगैरह जो टैक्स वगैरह ये कलेक्ट करते थे ये। तो जो जट्टी से ये अपने रूल जाते हैं, जिसको जट्टी पंचायत बोलते हैं, और ये विलेज से सेपरेट नहीं थे, विलेज में ही रहते थे, अपने इनके रूल होते थे जो
विलेज के रूल होते थे उनको फॉलो करते थे, अपने भी रूल्स चेंज थे और गवर्न बाय चीफ्स थे। चीफ्स कौन थे? जो भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, कौन अपॉइंट होता था? किंग्स ऑफ सुल्तान से। तो उस दौरान ये देखो क्या हो जाता है, इसका अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, कि उस टाइम कौन कौन सी रीजनल स्टेट्स थे जो कि इमर्ज होते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्ष एम्पायर इन अर्ली 800 CE, जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है तो बहुत सारे जो रीजनल किंगडम होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जो नॉर्थन इंडिया ब्रॉक इन टू सेवरल किंगडम्स, क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, बड़ा किंग की डेथ होती है, तो जितने भी उसने चीफ्स वगैरह अपॉइंट किए होते हैं तो वो क्या करते हैं कि सब इंडिपेंडेंट होते हैं और अपना अपना वो रीजनल किंगडम बना लेते हैं। तो जो नॉर्थ साइड वाली है तो काफी सारे किंगडम्स में डिवाइड हो जाती है, उनको रूल कौन करता है मैक्सिमम? जो कि राजपूत से, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि राजपूत कौन से काफी ब्रेव होते थे और नए नए स्किल्स होते थे उनके पास वॉरफेयर करने के लिए। हर्षवर्धन की डेथ के बाद नए नए सेवरल किंगडम्स एमर्ज होते हैं नॉर्थ इंडिया में, और कौन उनको रूल करता है मैक्सिमम? को राजपूत डायनेस्टीज। और ये तो नॉर्थ की बात होगी, नॉर्थ में कौन से राजपूत? साउथ में, साउथ में तो फेमस है चोलास। तो इनको कौन टुक ओवर करते हैं? द किंगडम्स ऑफ पांड्यास एंड पल्लवास। चोलास होते हैं ना, ये जो पांड्या और पल्लवस के जो किंगडम थे ये चोलास इनको आकर इनको हथियार लेते हैं इनको, ठीक है। तो ये टुक ओवर कर लेते हैं किंगडम, किसके किसके? पांड्या और पल्लवस के। कौन टुक ओवर कर लेते हैं किंगडम को? चोलास। फिर क्या होता है कि इन द 13th सेंचुरी में क्या होता है कि जो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? एडवेंट ऑफ टर्क्स आ जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में एडवेंट ऑफ किसका होता है? टर्क्स का। और जो नॉर्दर्न इंडिया होता है वो यूनाइट हो जाता है इनके अंडर में, क्योंकि बहुत सारे वॉर्स करते हैं, जो भी ये जगह जीते हैं जहाँ पर वॉर करते हैं जिस किंगडम को जीत लेते हैं वो उसको अपने में मिला लेते थे वो। और कौन सा सबसे फेमस जिसने ये नॉर्दर्न इंडिया को यूनाइट किया था? सबसे पहले आया था ये कैसुद्दीन बलबन, ठीक है, बलबन आया था। और इसने अपना जो एम्पायर था इसे कहाँ तक एक्सटेंड किया? इसने बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और नॉर्थ से लेकर साउथ तक, साउथ वाले काफी रीजन जिसने अपने अंडर में कर लिए थे। अफगानिस्तान को बोलते गजनी बोलते थे इसको, ठीक है, अफगानिस्तान का बोल सकते पुराना भी गजनी वाले जगह से आए थे, ठीक है। तो 13th सेंचुरी में क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया को जब एडवेंट ऑफ टर्क्स होता है तो नॉर्थ इंडिया वहां के वो जो टर्क्स आ जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया को यूनाइट कर देते हैं, राजपूत से हटा देते हैं। कौन था वो? यासुद्दीन बलबन। और ये अपना एम्पायर कहां तक एक्सटेंड करते हैं? बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक। साथ ही साथ में क्या होता है कि उसके बाद उसका मुगल एम्पायर आता है, ठीक है। मुगल्स आते हैं, मुगल्स एम्पायर लेटर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड कंप्रोमाइज नॉर्दर्न इंडिया। तो बाद में कहते हैं जब एडवेंट ऑफ टर्क्स आ जाते हैं, ठीक है, जब टर्क्स आते हैं तो उसी में मुगल एम्पायर आता है। तो मुगल्स आते हैं जैसे कि हुमायूं अकबर और बाद आ जाते हैं, ठीक है, बाबर आ जाते हैं। तो वो भी जो नॉर्थ इंडिया होता है उसको वो कॉम्प्रोमाइज मतलब उसको यूनाइट करते हैं उसको, और बहुत बड़ा एम्पायर बनता है ये मुगल, सब जानते हैं इसके बारे में, बहुत बड़ा एम्पायर बनता है इनका। काफी साल तक इन्होंने इंडिया में इन्होंने राज किया है। तो ये आते हैं जब मुगल तो नॉर्थ इंडिया को ये मैक्सिमम यूनाइट कर देते हैं। ये जो मुगल होते हैं ये कैसे रूल करते हैं? जो जो जगह जीत लेते थे, देखो मुगल ने रूल किया 18th सेंचुरी में, और ये क्या करते थे? चीफ्स अपॉइंट करते थे अपने रीजनल किंगडम्स में, जो ये किंगडम जीत लेते थे तो वहां पर डायरेक्ट मतलब रूल तो वही करते थे, लेकिन आगे ये पर्सन अपॉइंट कर देते थे जिसको कि चीफ्स बोलते थे, रीजनल किंगडम को अपॉइंट करते थे कि आप वहां पर हो, जो आप वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ लेकिन हमारी ही देख रेख में चलाओ, ठीक है। तो उस टाइम फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि जब मुगल एम्पायर यूनाइट कर देते हैं उसी दौरान में उसी पीरियड में काफी सारी लैंग्वेज और रीजन है नए नए एमर्ज होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज थी, दो तीन लैंग्वेज करेंगे जो कि उस टाइम एमर्ज हुई थी। तो किस तरह से जो था कि पॉलिटिकल सोशल ग्रुप की एमर्जेंस हो रही थी, ठीक है, ये हिस्ट्री की शुरुआत की बात है। तो देखो क्या कहते हैं, 6th सेंचुरी में काफी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, हर रीजन अपनी पहचान रखता है, मैनी रीजन्स एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, हर रीजन की अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी लैंग्वेज, अपना अपना कल्चर था उस टाइम में, ये तो आज भी है। ये तो 6th सेंचुरी में बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, हर रीजन का अपना एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी, अपनी लैंग्वेज थी, अपना कल्चर था उनका। तो क्या होता है कि जैसे रीजनल लैंग्वेज डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द कल्चर हेरिटेज। फिर क्या कहता है कि किसी भी रीजन की जो उसकी लैंग्वेज है वो उसके कल्चरल हेरिटेज बन जाती है। जैसे कि अभी भी बात करें हम तो जैसे बोलते इंडिया की लैंग्वेज कौन सी है, मातृभाषा कौन सी है, हिंदी है, तो हमारे कल्चर की वो हेरिटेज बन जाती है कि इंडिया में
हिंदी बोली जाती है, उनकी मातृभाषा है, इंग्लिश का भी यूज करते हैं लेकिन जो हमारी मातृभाषा है वो हिंदी है। वो तो उस टाइम कहता है कि काफ़ी सारी जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं किसी भी रीजन की, वो उनकी डेवलप होती है, उनकी कल्चर हेरिटेज की तरह डेवलप हो जाती है कि उस वाली रीजन की ये वाली लैंग्वेज है इसकी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज थी, जैसे कि एक लैंग्वेज एमर्ज हुई थी इंडवी, ये किसको मिक्स करके बनी थी, ये पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज जो थी इन दोनों का मिक्सर थी है, जिसको कि बोलते थे हम हिंडवी। हिंडवी लैंग्वेज का किसका मिक्सर थी, वो पर्शियन लैंग्वेज का और हिंदी लैंग्वेज का मिक्सर थी। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो पर्शियन लैंग्वेज होती है बिकम कोक लैंग्वेज रूलर ऑफ डेली, तो डेली में जो रूलर्स होती है उनकी वो कोक लैंग्वेज बन जाती है पर्शियन। पर्शियन क्या थी, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज उनकी कोक लैंग्वेज बन जाती है रूलर्स ऑफ डेली और मुगल्स की, उनकी कोक लैंग्वेज होती है पर्शियन। उसी दौरान कहते हैं कि बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं अलग अलग रीजन जो रीजन लैंग्वेज होती है उसमें लिखी जाती हैं और हिंदी में लिखी जाती हैं। तो जब उस टाइम काफ़ी सारी बुक्स लिखी जाती हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेज जो उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज थी और साथ में हिंदी लैंग्वेज, उसमें काफ़ी सारी बुक्स लिखी जाती हैं। अब देखेंगे हम कि उस टाइम हमने देखो हमने ये बात करी कि कौन कौन सी लैंग्वेज वगैरह इमर्ज हुई, अब हम देखेंगे कौन कौन से रिलीजन उस टाइम इमर्ज होते हैं। पहले तो था कि हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन और बुद्धिज्म भी था, ठीक है, और बाकी कृष्ण तो नहीं थे। तो उस टाइम देखेंगे नए नए रिलीजन थे वो बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, देखो रिलीजन कहाँ से आते हैं, रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, नया एक रिलीजन निकल के आता है, हिंदू तो थे ही, साथ में हिंदू में जो रिलीजन निकले उसको हम सब कास्ट बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है। कौन कौन से थे नए रिलीजन, तो कौन सा निकल के आता है नया रिलीजन जिसको हम सिख सिख बोल सकते हैं, ठीक है, सिखिज्म आ जाता है, नया नया रिलीजन आ जाता है। और एग्जिटिंग कौन कौन से कर रहे थे उसमें क्या 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 चेंजेस होते हैं, एग्जिटिंग कौन कौन से थे हमारे हिंदू मुस्लिम, उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, और नया रिलीजन कौन सा निकल के आता है उसको हम सिख बोल सकते हैं, सिखिज्म बोल सकते हैं उसको। और जो हमारा हिंदू था उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, एक ब्राह्मणी क्लैन बाहर निकल के आती है, वो जो ब्राह्मण्स होते हैं ये बहुत सारा चेंज लेकर आते हैं कहाँ पे, हिंदू रिलीजन में। जो ब्राह्मण्स होते हैं ये बहुत सारा चेंज लेकर आते हैं हिंदू रिलीजन में। और देखो इनकी पहचान इतनी होती है कि इतनी सोसाइटी में इतनी पॉपुलर हो जाते हैं, क्यों पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी सारी नॉलेज थी, इनको जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज वगैरह थी जैसे संस्कृत वगैरह थी, काफ़ी सारी इनको इनको इसकी जानकारी थी इनको, तो ये काफ़ी सारे ये पॉपुलर हो जाते हैं कौन ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण पहले भी थे लेकिन ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन उस टाइम काफ़ी उस दौरान पीरियड में काफ़ी ये पॉपुलर हो जाते हैं ब्राह्मण से। फिर ये क्या करते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं ये इंक्लूडिंग नए नए तरीके बताते हैं वर्शिप करने के, न्यू डेटिस के कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल काफी पॉपुलर जाते हैं। फिर इनके द्वारा जो भी जितने भी हमारे रूरल किंग्स होते हैं वहां जाकर उनके साथ मिलकर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स करवाते हैं, इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मणिज्म आ जाता है ये, तो ये ब्राह्मण की इंपॉर्टेंस को क्या इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। किसी भी रूरल कोई भी रूरल में जाकर के वहां जो उनके कोर्ट में जाकर बैठ जाते हैं और काफी सारे नए नए तरीके बताते हैं वर्शिपिंग के और नए नए कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स ये करवाते हैं। और साथ ही साथ में ये तीन में था रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, भक्ति मूवमेंट और एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट में पहले इसमें देखेंगे तो ये देख लेते हैं, देखो वो इतने पॉपुलर हो गए थे वो कि वो उनकी अब क्यों पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि उनको नॉलेज काफी सारी थी। किसकी नॉलेज थी उनको, संस्कृत लैंग्वेज की और क्लासिकल टेक्स्ट की। जिसको पर्सन को ये नॉलेज थी संस्कृत और क्लासिकल टेक्स्ट की वो काफी सारे सोसाइटी में काफी रिस्पेक्ट अर्न कर लेते हैं, कौन जो ब्राह्मण बनते हैं, ठीक है। ब्राह्मण पहले भी थे लेकिन नए क्लाइन नया रिलीजन आता है लेकिन रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म है ये वाला देख रहे हैं। तो क्या करते हैं कि काफी सारी रिस्पेक्टेड सोसाइटी में काम कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनको बहुत सारी नॉलेज होती है संस्कृत की और क्लासिकल टेक्स्ट की। फिर क्या करते हैं कि धीरे धीरे ये अपनी जो पोजीशन होती है ये कंसोलिडेट कर लेते हैं, कहाँ पे, राजपूत किंगडम्स में और साउथ इंडियन जितने किंग्स थे वहां पर ये अपनी पोजीशन ये कंसोलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। उसी दौरान ये काफी सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स वगैरह भी करवाते हैं कि नए नए तरीके बताते हैं भक्ति करने के, वर्शिपिंग के। तो ये कहाँ पर अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर लेते हैं, राजपूत और साउथ इंडियन किंग्स में, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो ट्रेंड होता है जो ये ट्रेंड शुरू करते हैं जो ब्राह्मण्स होते हैं जो ट्रेंड शुरू करते हैं नए नए तरीके बताते हैं वर्शिपिंग के और काफी सारे पॉपुलर हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि यहाँ से डिक्लाइन किसकी हो जाती है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म,
बुद्धिज्म का जो है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उस टाइम। बुद्धिज्म में रिलीजन था काफी फेमस हो गया था, वो काफी फेमस चल रहा था वो। तो ये वाले आकर क्या करते हैं कि उसको जिस फ्रेंड को क्या करते हैं डिक्लाइन करना शुरू करवा देते हैं, इतने पॉपुलर कर देते हैं। और साथ साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ इसके बिहार के डिस्ट्रक्शन वो कर देते हैं वो। उसका नेक्स्ट है कि यहाँ भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट एक ऐसा था कि ये मूवमेंट काफी पॉपुलर था। इससे क्या होता है कि इंडिया में जितने हिंदू रिलीजन होते हैं इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है ये भक्ति मूवमेंट, ये कि किस किस तरह से हमने के बोल के हमने हमने भक्ति करनी है हमें। तो क्या होता है कि देखो मेडिकल इंडिया में सोशल चेंजेस हैव बीन इन मेडिकल इंडिया। जब मेडिकल इंडिया का पीरियड चल रहा था इंडिया में तो काफी सारे सोशल चेंजेस होते हैं और इमरजेंस करके नए नए सोशल ग्रुप की इमरजेंस होती है। सब कास्ट गिव राइज टू भक्ति मूवमेंट, ठीक है, जो सब कास्ट होती है उनकी इमरजेंस होती है और गिव राइज टू भक्ति मूवमेंट को। जो नए नए सब कास्ट के जो नई नई कास्ट बनती हैं, नए नए सोशल ग्रुप बनते हैं, तो किसको राइज करते हैं वो, भक्ति मूवमेंट को राइज करते हैं। साथ में क्या होता है कि मूवमेंट बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट शंट ऑल द काइंड्स ऑफ रिचुअल्स। जैसा ये मूवमेंट जिस तरह से चलता है ये जितने भी काइंड्स जितने भी सबको ये बिल्कुल शंट कर देते हैं रिचुअल्स के। क्या के रिचुअल्स इतने पॉपुलर थे, क्या के रिचुअल्स ये करते हैं। उसने देखो काफी काफी मैंने साइंस थे वो कौन कौन से साइंस थे जो कि काफी पॉपुलर थे, कबीर, मीराबाई, रविदास और तुकाराम, ठीक है, अदर वाले ऐसे बहुत सारे थे, अदर्स भी थे। वो ये क्या करते हैं कि सबके प्रमोट क्या करते हैं भक्ति एज अ मीन्स टू अचीव स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ये इतना फेमस कर देते हैं इस भक्ति मूवमेंट में कि गॉड की भक्ति को इतना ये कर देते हैं जिससे कि जो डिक्लाइन बुद्धिज्म को डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। कौन कौन से करते हैं, कबीर, मीराबाई, रविदास, तुकाराम, ये प्रमोट करते हैं कि जो भक्ति है यही भक्ति है मीन्स टू अचीव स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने जैसे कहते हैं कि अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो भक्ति करो, भक्ति करो, अगर आपने भगवान को पाना है, अगर आपने चाहते हो कि भगवान को हासिल कर सको तो भक्ति एक जरिया है, भक्ति से ही आप स्पिरिचुअलिटी पा सकते हैं, ठीक है, स्वर्ग में जा सकते हैं और आप भगवान को पा सकते हैं। इतना ये पॉपुलर कर देते हैं भक्ति को उसमें जब ये भक्ति मूवमेंट चलता है। ये कौन पॉपुलर कर देते हैं, कबीर, मीराबाई, रविदास, तुकाराम और भी बहुत सारे थे। वो नए नए जो भी गुरु होते हैं वो अपने आते हैं, लोगों को जन्म कर देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। फिर साथ साथ में देखो अब क्या होता है कि इंडिया में देखो ब्राह्मण्स की भी इमरजेंस हो जाती है, राजपूत की भी इमरजेंस हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जब मुस्लिम्स अगर इंडिया में आ रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं इंडिया में आके, तो उनका रिलीजन है इस्लाम, मुस्लिम, ठीक है। तो वो भी तो पॉपुलर होगा ही होगा ना, वो तो जब वो आने रह जाएंगे तो लोग वो भी देखेंगे कि उनका कौन कौन सा कल्चर, क्या क्या वो कर रहे हैं और उनके कल्चर में क्या क्या चीजें हैं, तो वो भी तो फेमस होगा ही होगा। फिर क्या होता है कि जब इस्लाम से एडमिट ऑफ इस्लाम होता है तो बिलीव ऑफ वन गॉड एंड बिलीव दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज रिटन इन कुरान। इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि बिलीव करो इन वन गॉड में, और ये जो वर्ड है गॉड ये कहाँ पर लिखा है, कुरान में। कुरान को ना मुस्लिम की होली बुक है, मुस्लिम की होली बुक है कुरान। तो गॉड की परिभाषा कहाँ लिखी है, कुरान में। नए नए सेक्स होते हैं मुस्लिम्स के, ठीक है, मुस्लिम्स के सिर्फ दो सेक्स हैं, कौन कौन से, सुन्नी और शिया। ये देखो मुस्लिम ये जो इस्लाम रिलीजन इतना फेमस इसलिए है, जैसे कि हम अगर हम अपने हिंदू रिलीजन की बात करें तो हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत सारी कास्ट बनी है कि ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, फिर ओबीसी वाले हैं, ठीक है, और फिर लोअर कास्ट वाले भी हैं। लेकिन जो इस्लाम है इसमें सिर्फ दो ही सेक्स है, सुन्नी और शिया। और ये कहता है कि इस्लाम उस टाइम काफी फेमस हो जाता है क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो भी जितने भी किंगडम जो भी रूलर्स थे वो क्या करते हैं कि वो जो लोग वहां पर रह रहते हैं तो उनका बहुत सारा वो शोषण करते हैं वो, ठीक है। ब्राह्मी सब अपने आप को ऊपर रखते थे, जैसे क्षत्रिय थे तो जो लोअर कास्ट वाले रहते थे उनको हमेशा ही उनको वो हार्श करते थे उनको वो। तो उनको लगता था कि जो मुस्लिम या ये रिलीजन अच्छा है क्योंकि उसमें कोई भी कास्ट सब कास्ट नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही हैं सुन्नी और शिया, तो ये भी काफी पॉपुलर हो जाते हैं उस वाले पीरियड में। ये देखो अगर हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में कि मुस्लिम्स के दो सेक्ट्स हैं सुन्नी और शिया, तो सुन्नी कौन होते हैं, सुन्नी जो वो फॉलो करते हैं ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो प्रॉफिट मोहम्मद जी थे उनके जो ट्रेडिशन है ये सुन्नी उसको फॉलो करते हैं। और जो शिया है शिया सेक्ट पहले क्या बिलीव करते हैं कि दैट अली 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 जी कौन, सनी लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो प्रॉफिट मोहम्मद जी के जो सनी लॉ थे अली, वो थे कि 10th लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी।
वाला को लगता है कि जो अली जी हैं, जो सन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के, वही हमारे 10th लेजिस्लेट लीडर हैं मुस्लिम्स कम्युनिटी के वो। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता लग गया कि सुन्नीस कौन से। सुन्नीस तो फिर से बताता हूँ, मुस्लिम्स में दो सेक्ट्स हैं, कह सकते हैं कि दो कास्ट हैं मुस्लिम्स में, सुन्नी और शिया। तो सुन्नी किसको फॉलो करते हैं? ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, तो प्रॉफिट मोहम्मद जी का जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं। और जो शिया है, शिया सेक्ट पे बिलीव करते हैं कि अली सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज अ 10th लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। फिर क्या था कि जब ये मुस्लिम्स आते हैं, जब ये इस्लाम आते हैं, तो ये नई फॉर्म की एक नई चीज लेकर आते हैं, सूफीज्म। सूफीज्म क्या था, जब उस टाइम इंडिया में काफी सारा डेवलप करता ही है सूफीज्म है। और सूफीज्म क्या है, जो अभी आगे बताऊंगा आपको मैं कि सूफीज्म क्या है। सूफीज्म डेवलप इन इंडिया विच वाज एन 11th एमर्गेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ सूफीज्म। 11th एमर्गेशन है स्पिरिट किसकी? सूफीज्म की। और सूफीज्म कंसीडर्ड एज गॉड एज ए यूनाइटिंग फोर्स फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। सूफीज्म में क्या गया कि भगवान एक ऐसी चीज है जो कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबको यूनाइट करता है और सबको इक्वली ट्रीट करता है वो। सूफीज्म में ऐसा है लिखा गया है कि कंसीडर गॉड एज ए यूनाइटिंग फोर्स फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, एक ऐसी फोर्स है जो कि सब ह्यूमन बींग्स को यूनाइट करती है और इक्वली ट्रीट करती है, उसके लिए सब बराबर है उसके लिए। देखो उस तरह क्या होता है कि जो सूफीज्म है ये काफी बहुत सारा फेमस हो जाता है। ये सूफीज्म सूफीज्म एबल टू अट्रैक्ट मैनी हिंदू, क्यों? क्योंकि उस टाइम जो लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं, ठीक है, ये जो सब कास्ट वाले होते हैं उनका बहुत सारा शोषण कर रहे थे, जितने भी रूरल जो चीफ्स होते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय, तो ये उस सोसाइटी में इनको बहुत सारे इनको हार्श करते हैं। तो उनको लगता है कि यार हमें हार्श करी जा रही है, लेकिन जो नया रिलीजन जो मुस्लिम इस्लाम आया है तो ये काफी है, इसमें अच्छा है, इसमें दो सेक्ट्स हैं सुन्नी और शिया, ज्यादा है नहीं इसमें। और साथ में जो सूफीज्म जो उसको ये जैसे इसको प्रमोट करते हैं सूफीज्म को कि गॉड कहता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। क्या कहता है सूफीज्म, देखो यहाँ पहले देखा, सूफीज्म कंसीडर्ड एज अ गॉड एज ए यूनाइटिंग फोर्स फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, कि भगवान एक ऐसी शक्ति है जो कि सब ह्यूमन बींग्स को यूनाइट करती है और इक्वली ट्रीट करती है। तो ये वही सारी चीज है कि जो हिंदूज होते हैं उनमें काफी फेमस हो जाते हैं, ठीक है। तो काफी सारे जो हिंदूज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो रिलीजन को वो